बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। समझे, देखें, परखें और अपने विवेक का जो है आप विवेक से काम लें। और इसीलिए मैं बाकी एक्स मुस्लिम्स को, ये तो मेरी सलाह रही व्यूवर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए, मैं एक्स मुस्लिम को भी ये एडवाइस देता हूँ कि कोई आपका कितना ही खास एक्स मुस्लिम क्यों ना हो, उसके ऊपर आपको कितना ही ट्रस्ट क्यों ना हो, आपको कितनी अच्छी नॉलेज ना रखता हो, कितनी अच्छी बात करता हो, कितनी अच्छी डिबेट करता हो, पर आप उसके साथ पर्सनली एसोसिएट होने या फिर उसके साथ पर्सनली मिलने को अवॉइड करें ताकि आपका उसके साथ कोई मैटर ही ना रहे। मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे साथ आई हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं, ठीक है। मैनी सरकारी जी कह रही है आई वांट टू जॉइन जी, प्लीज काइंडली यू कैन कम काइंडली, लेट मी मेक सम स्पेस। प्रसाद जी एक मिनट, मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, आप आ जाइए। मैली जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठी हैं, आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आपका आप अपना जो विचार है, जो आपका संदेश है, वो लोगों तक आप दे रही है, मुझे दे रही है। लेकिन अगर मैं बैक स्टेज में आपके साथ कनेक्टेड नहीं होता या मैं आपके साथ मिलकर के एसोसिएट नहीं करता या कोलेबरेट नहीं करता, तो ये दिन कभी आएगा ही नहीं, चाहे आपका जीवन बीत जाए, मेरा जीवन बीत जाए, ये दिन कभी आएगा ही नहीं कि आप मेरे ऊपर कोई टिप्पणी करें या मेरे से कोई सवाल करें या मेरे पर कोई उंगली उठाएं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी मेरी चर्चा ही उतनी है जितनी इस चैनल के ऊपर है। आर यू अग्री विद मी और नॉट सिस्टर? बिल्कुल 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 सही बात बताई आपने सर। इस ये ऐसा मूवमेंट है जहां आप लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहे हैं और फिर आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें ना कॉन्ट्रेडिक्ट करती हैं। या तो छुपा रहे हैं तो पूरी तरह से छुपाना पड़ेगा, फिर यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है और कोई भी दुश्मन नहीं है, आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। बिल्कुल जी जी। और एक बात कहना चाहती थी कि सर जितना हो सके ठीक है, मतभेद लोगों के बीच में हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पे ना इस तरह से, मैं आपको ही नहीं कह रही हूँ, आप अब तो आप काफी बैलेंस होके बोलते हैं और दूसरे चैनल से भी मैं देख रही हूँ, जिन चैनलों को हम देखते हैं वो लोग भी काफी बैलेंस होके जवाब देते हैं। पहले थोड़ा था, मुझे ऐसा नजर आता था कोई कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन अब आप लोग काफी बैलेंस होके और सोच समझ के जवाब दे रहे हैं, तो ये इस मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम चलिए किसी के साथ रिलेशन नहीं रख सकते तो कम से कम उसको डिफेम भी मत कीजिए या उसके बारे में कुछ ऐसा मत बोलिए जो उसकी पर्सनैलिटी को डाउन करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा बोलने से भी बचें, और आप पर्सनल पे तो बात ना ही करें तो वो ज्यादा बेटर है। आप अपने काम पर फोकस करें, हमारा काम किसी की पर्सनल लाइफ को या किसी को पर्सनली जज करने का नहीं है, वो पर्सनल लाइफ में अपनी क्या है कैसा है ये वो बेटर जानता है, और कोई जानता नहीं है और कोई ना जान सकता है, सिर्फ जो है एक आइडिया कर सकता है, एज्यूम कर सकता है, एक ऑब्जर्वेशन कर सकता है, पर कंप्लीटली कोई किसी को नहीं जान सकता, क्योंकि कंप्लीटली इंसान खुद के बारे में खुद जानता है। इसलिए मैं कभी भी किसी को पर्सनली जज नहीं करता ना किसी को बोलता हूँ, हाँ जो चीजें मेरे सामने आती है उस पर मैं रिस्पोंड कर देता हूँ, और इसीलिए क्योंकि मेरे लिए जो है सिर्फ मेरा ये काम इम्पोर्टेंट है, मैं जिस काम को कर रहा हूँ और जो ये मूवमेंट है या जो मेरा ये मिशन है या जो मेरा, मैं इसको धर्म मानता हूँ एक्चुअली, जो मेरा ये धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बस इस पर काम कर रहा हूँ। हाँ समीर भाई, मैं एक्चुअली ये बात कहने जा रही थी कि हमें तो आपके बातों से मतलब है, आपके नॉलेज से मतलब है, किसी भी एक्स मुस्लिम के या किसी भी हिंदू के भी, मैं कह रही हूँ अगर हम चैनल्स पे जाते हैं और अगर वो कोई अच्छी बात बताते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि... आपकी आवाज चली गई है सिस्टर। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ समीर भाई, मैं ये कह रही थी कि हमें तो आप लोग के द्वारा मिलने वाले इन्फॉर्मेशन से मतलब है, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसे टीचर के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता, वो वहाँ क्या नॉलेज गेन कर रहा है उसको उससे मतलब होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अपने इलाज से मतलब होता है, उसके पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं रहता। हम अदालतों में जाते हैं तो हमें जज के पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं रहता। उसी तरह से हम तो किसी भी चैनल पे जाते हैं
तो हम तो इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं सर, हमें वाकई उनके पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग इस तरह का कीचड़ उछाल के इस मूवमेंट को खराब कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बता सकते तो किसी के बारे में इस तरह से डिफेम भी मत कीजिए, चुपचाप शांति से बैठिए और अपने दम पे हिम्मत है तो व्यू लाइए, कुछ अच्छा दिखाइए, कुछ समाज को सही रास्ता दिखाइए और फिर कंटेंट क्रिएट कीजिए। ये क्या बकवास है एकदम, बस लोगों पे कीचड़ उछाल उछाल के और व्यू इकट्ठे करना है। नॉनसेंस बातें करते हैं सर, सुन के मतलब आप 10 मिनट उस चैनल पे नहीं रह सकते। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। होप सो के लोग इस बात को समझें और जो हमें करना चाहिए उस काम को करें। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनको यही करना चाहिए तो कीप इट अप मैन, जो जो कर रहा है अपने हिसाब से सोच करके सही कर रहा है, सो कीप इट अप। हम लोगों को वाकई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, क्योंकि हम यहाँ पर सिस्टर जो है वो लोगों को खुश करने या लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर हमने अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी जो दी है, अपने परिवार की जो कुर्बानी दी है, वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं दी है, हमने दी है उस काम के लिए जिस काम को हम कर रहे हैं और इसको मरते दम तक करते रहेंगे, चाहे कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, कुछ सुने या ना सुने, डजंट मैटर। अगर दो लोग भी सुनेंगे हमारे चैनल तो हम दो लोगों को बता देंगे कि इस्लाम क्या है, दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने ख्याल जी, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद जी। महली सरकारी बहन, वेलकम, खुशामदीद, आदाब, सलाम, कैसे हैं आप? हाय समीर, हाउ आर यू? इतने प्यार से आप बोलती हैं मुझे बहन जी, मुझे किसी की याद आ जाती है आपके बात सुन के, बता रहा हूँ। किसकी? वो हूरों की तो याद नहीं आती आपको, जन्नत की हूरे? नहीं नहीं नहीं, हूरों की याद नहीं आती, क्योंकि हूरे जो है आप हूरों से बदरजा बेहतर हैं, क्योंकि हूरे जो होंगे ना जी, वो आपको असल में, मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो खैर मजाक की बात हो रही थी, थोड़ा सा मैं सीरियस जवाब देने लगा हूं। जो लोग किसी भी वुमन को उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके कपड़ों और उसकी बातचीत से जज करते हैं, वो लोगों का अपना खुद का एक सोच है, खुद की एक मैयार है, जो कि बहुत छोटी है। आप ये देखिए, आप जब हूरों की तारीफ करते हैं, आप हूरों की बड़ाई बयान करते हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ भी चल लीजिए कि वहां लिखा क्या कि वो हीट पर आई होंगी, हीट पर, जैसे एक ऊंटनी हीट पर आई होती है, वो वैसे उस तरीके से हीट पर आई बैठी होंगे, जो इसे इंतजार करेगी कि बस मेरा जन्नती शोहर आए और आते डिंग डोंग करना शुरू कर दे। कम से कम उसकी जहालत वाली सोच लेकर के तो मैली सरकारी नहीं बैठती है ना अपने चैनल पर, कोई भी नहीं, 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 नहीं। तो कम से कम तो आपको आपके कपड़ों पर, आपके ड्रेसिंग सेंस पर, आपकी बातों पर, आपके खुले मिजाज पर, आपकी जो है ना बेबाक अंदाज पर, आपको लोग जज कर सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लेकिन अपने गिरवान में झांकने की हिम्मत नहीं है, नहीं है, तो बहुत ज्यादा है। अरे समीर, इतनी मजे की बात आपने ये जो की है ना, और मैं हमेशा से मुसलमानों को तो बोलती ही हूँ, मगर अभी यू नो अभी यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो गोरे बंदे भी है ना, अभी आई वॉज सीइंग समवन और मैं यानी आई वॉज अशेम्ड के जिन चीजों को लेके मैं वो कर रही थी, और मैं वही चीजें जो क्वालिटीज हैं, कपड़े, बातें, एवरीथिंग आई वाज बीइंग जज्ड ऑन, मैं और मैंने उसको कर नहीं भी दिया, और मुझे इस चीज से बड़ा गुस्सा चढ़ा, और मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा जिन चीजों के लिए मैं रोजाना लड़ती हूँ, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं तुमको अपने साथ वो करने दे रही। और आप ये जो भी आई थी बोल रही थी ना कि आपको लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने जब 2008 में मिस पाकिस्तान किया था, मुझे पूरी दुनिया के आगे रगड़े लगाए थे, मुझको दो नंबरी बोला, मेरे को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने। जब आप लाइमलाइट में आते हो, थोड़े से फेमस होते हो, तो लोग आपके बारे में बोलेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन आपकी होगी, कोई भी चीज उनको मिल जाए पकड़ के आपके बारे में बोलेंगे। बट द थिंग वॉज कि मैंने गिव अप नहीं किया, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैं ही जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। अब अगर लोगों को नहीं भरोसा होता तो मेरा तो काम नहीं है कि मैं हर किसी को प्लीज करती फिर, और लोग बोलते रहेंगे, मगर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम पे फोकस रखोगे कि नहीं। और अब 2008 से लेकर अब तक मैं अपनी बात पे खड़ी हुई हूँ, मैं औरतों के लिए अभी भी बातें करती हूँ मैं, और मुझे कितनी लड़कियों के मैसेजेस आए कि आपको देखकर हमें हिम्मत मिलती है, एंड दैट इज ऑल आई नीड, मुझे दूसरों की जरूरत ही नहीं है। और आपका काम, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग फॉर यू अभी। और ये जो दूसरों के मामले में फिसना होता है ना, इसी तरह से मैं भी इन्वॉल्व हुई थी, दूसरों के झगड़ों में मैं इन्वॉल्व हुई, और क्या हुआ, मैं फंसी बीच में,
हालांकि मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आप जो है इंडियन एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम मत करो, मगर एक चीज पे ज्वाइन होके रहो, विच इज दैट वी आर एक्स मुस्लिम, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी। मगर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी मेरी एडवाइस लोगों को ये है कि अगेन फॉर माई एक्सपीरियंस, आप इंटरनेट पे किसी पे भी, किसी पे भी, मुझ पे भी भरोसा नहीं करो। आप किसी को, आपको नहीं पता कि क्या होता है, कहाँ लीक होती हैं चीजें, क्या बातें उठाते हैं लोग, किसी पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशली जो बंदा अपनी शक्ल ना दिखाए, अपना नाम ना बताए, ऐसे बंदों को आप बीच में शामिल कर लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल कि किस किस को बता रहे। और फिर तीसरी बात मैं ये कहूंगी लास्ट में कि जो इस मूवमेंट का हिस्सा अपने आप को बताते हैं और दूसरों की डॉक्सिंग करते हैं, तो आप वो जान लो कि वो एक्स मुसलमान हो ही नहीं सकता है। बिकॉज एक एक्स मुस्लिम को पता है कि अगर उनकी आईडी लीक हो जाए या आइडेंटिटी लीक हो जाए तो उनके साथ क्या होगा और उनकी जान को कितना खतरा बन सकता है। सो इफ समबडी इज विलिंग टू पुट योर लाइफ इन डेंजर, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि दे डोंट केयर एंड दे आर नॉट एक्स मुस्लिम्स, वो अभी भी मुसलमान ही है और वो वही जिहाद कर रहे हैं आपके साथ। थैंक यू समीर जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है। आई एम टोटली अग्री विद यू, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन लेकिन आपने एक बात की है, उस पर मैं भी कई बार बोल चुका हूँ और फिर से एक बार कहता हूँ, जो आपने बात की है कि इंडियन एक्स मुस्लिम और पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम, तो मैं ये कहता हूँ कि एक्स मुस्लिम बनने के बाद ना कोई इंडियन या पाकिस्तानी नहीं रहता, बल्कि इंसान बन जाता है। और इंसान का काम है सिर्फ इंसान से मोहब्बत करना, इंसान के फायदे की बात करना, लेकिन उसमें भी सिर्फ उसके उसके साथ मोहब्बत रखना जो इंसानियत को मानता हो, फॉलो करता हो, जो इंसानियत के खिलाफ इंसानियत को खत्म करना चाहता हो या इंसानियत के लिए खतरा हो, उससे मोहब्बत कैसी, वो तो इंसानियत का दुश्मन है, उसके साथ तो हमारी लड़ाई है। जैसे कि इस्लाम, इस्लामी, तो हमें इस्लामियों से नफरत नहीं है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन मुसलमानों से प्रॉब्लम है जो इस्लाम को ही सिर्फ अकेला अच्छा मान करके बाकी सबको गालियां देते हैं, बुरा बोलते हैं और इस्लाम की गंदगी और कट्टरता को डिफेंड करने का काम करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। और ये जो बात पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम मैंने उल्की हो रही है, मैंने कई बार कहा है कि भाई जब कोई इंसान पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम बनता है ना, और आपको ये पता चल जाए कि ये इंसान एक्स मुस्लिम है, इसका मतलब बिल्कुल वादे तौर पर क्लियर है कि अब वो एक्स मुस्लिम होने के साथ साथ एक्स पाकिस्तानी भी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो कह ही नहीं सकता कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, गर्दन ही नहीं बचेगी कहने के लिए। तो जो इस्लाम छोड़ेगा उसको बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, तो जिसने इस्लाम छोड़ा वो बाय डिफॉल्ट एक्स पाकिस्तानी भी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को बनाया ही टू नेशन थ्योरी के ऊपर गया था जिसमें बेस ही इस्लाम था। जब उसने इस्लाम ही छोड़ दिया तो उसको सबसे बड़ी बेईमानी यही लगती है कि वो पाकिस्तानी है, उसको बेईमानी लगने लगती है चीज की, यार किस चीज पर पाकिस्तान बनाया गया, जो कि खुद एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। ये इंडियन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम कुछ नहीं होता, एक्स मुस्लिम सिर्फ एक्स मुस्लिम होता है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। आई थिंक समीर ये एक हेट्रेड फैलाई जा रही है, पाकिस्तान में भी फैलाई जाती है इंडियंस के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ओम अकबर। जी जी बोले सर, मुफ्ती हरामुद्दीन साहब कैसे हैं आप? मैं बढ़िया समीर, तुम बताओ तुम कैसे हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ सर। अच्छा 2 मिनट रुकेंगे आप मुफ्ती हरामुद्दीन साहब, ताकि हमारी मैलीज बहन अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मैली सिस्टर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप कंटिन्यू करें। मुझे याद ही नहीं है। मैं ये बोल रही थी कि लोग जो हैं दोनों साइड पे कोशिशों में लगे हुए हैं कि पाकिस्तानियों और इंडियंस के बीच में एक जो है ना वो दुश्मनी पैदा करके रखे। हालांकि मैं यहाँ पर इंडियंस के साथ घुलती मिलती रही हूँ, 25 साल से घुलती मिलती रही हूँ, कभी पता नहीं चला कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है, हम सब एक बन के रहते हैं यहाँ पर। मगर ये जो नफरतें बढ़ाने की कोशिश की हुई है, ना मैं इंडियन से हेट करती हूँ, ना मैं पाकिस्तानियों से भी नहीं नफरत करती हूँ, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है इंडिया से नफरत नहीं करता है। हाँ लोग हैं ऐसे, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं वहां पर, मगर हम भी तो पाकिस्तान से निकले हैं, मेरी भी तो फैमिली निकली है वहां से, हम तो मानते हैं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था हमारी। तो मैं तो नानी को कहती थी यार कि आप इंडिया छोड़ के क्यों आ गए, सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही थी आप पाकिस्तान आ गए। एंड देयर आर मेनी पीपल लाइक अस, यू नो। और मैं ये भी नहीं मानती कि सारे इंडियंस जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, मगर ये दिमाग में चीज डाल डाल के नफरतें बस पढ़ाई जा रही है। इससे कि आप प्यार बढ़ाएं, नहीं,
हम और नफरतें डालेंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे कीप सेइंग एंड कीप डूइंग. और ये प्रोपेगेंडा आज का नहीं चल रहा, मेरे पे तो इन लोगों ने 1.5 साल लगा दिया प्रोपेगेंडा करने में. बट मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूँ कि मेरे नाना नानी तो दोनों इंडिया के हैं. आपको मुझे पहले बोलते हैं कि इसको आइडेंटिटी नहीं पता, जब मैं इनको बोलती हूँ कि भाई मेरे तो नस्ल वहां से आ रही है, फिर कहते हैं आप ये इंडियन बनना चाह रही, तो पहले ये तो बता लो ना कि मैं क्या करूँ, अपनी रूट्स को मानूं या ना मानूं, लेट मी नो व्हाट आई शुड बी डूइंग. सो ये जो चीज है इसको आई डोंट थिंक इसको बढ़ावा देना चाहिए. लोगों के पास अकल है, आपको देखो कि कौन नफरतें बढ़ा रहा है, कौन किस तरीके से व्यूज कर रहा है. और लोग बोलेंगे अभी तो आप इतने फेमस नहीं हो, अभी और फेमस हो गए समीर तो आपके ऊपर, यानी आपके ऊपर बहुत सारे अटैक होंगे. दिस इज नथिंग राइट नाउ, जस्ट वेट फॉर इट. जब आपके ऊपर खबरें चलेंगी, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी आपको आपकी, और जो जो सच्चा रहा है ना दुनिया में उसके ऊपर ऐसे ही अटैक हुआ है. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. एग्जैक्टली इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता बहन, मैं आपको बताऊं मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे उन लोगों से मतलब है जो मेरे चैनल पर जुड़ते हैं. इसीलिए मैंने कहा कि मेरे चैनल पर जो जुड़ेगा, मुझसे सवाल पूछता है कोई या मुझ पर कोई बात करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ. अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी ABCD XYZ जो है कुत्ता बिल्ली मुझ पर कोई बात करेगा अपने चैनल पर बैठकर मैं सफाई देने पहुंच जाऊं. नहीं नहीं भैया, गुरुदेव दाता इस विश्व के स्वामी, आप मुझे गलत समझ गए, कृपा करो मुझ पर, मुझे अच्छा समझो, मैं ऐसा तो नहीं हूं ना. नहीं, लोगों के पास दिमाग है ना, लोगों के पास दिमाग है, जिनके पास है वो यूज कर लेंगे यू नो, और उनको पता चल जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू एट द एंड होता ही है. अभी देखो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि पैसों की प्रॉब्लम लग रही है, राइट, जेलेसी उस पे हो रही है, व्यूज आते नहीं है, तो अब करेंगे क्या, राइट, देयर हैज टू बी समथिंग दैट दे हैव टू डू टू गेट द व्यूज एंड स्टफ. और जलन अलग हुई भी है, ये सारी झगड़ा ही पैसों की वजह से स्टार्ट हुआ था, याद है ना, आपने भी बताया था कि सारा जो झगड़ा है ये पैसों के पीछे हुआ था. एंड अभी भी बैठ के वो यही बोलते रहते हैं पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं. तो भाई हम किसी के घर पे जाके बंदूक रख के तो नहीं कहते ना हमें पैसे भेजो, लाइक डू वी से दैट, नहीं ना. तो पैसे तो हर कोई कमा रहे हैं ऑनलाइन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. आप अगर यहाँ बैठे हो तो क्या आपने इंटरनेट बिजली और अपना टाइम जो आप दे रहे हो, अरे भाई एक जमादार घर पे आपके आता है ना तो उसके भी टाइम की कीमत आप उसको देते हो. तो यहाँ पे लोग 10-10 घंटे बैठते हैं और उसपे उनके $50 बन जाए या $20 बन जाए तो उस पे भी इनको तकलीफ हो रही होती है, लाइक लिटरली, क्योंकि उनके पास नहीं बन रहे. सो दिस इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ जेलेसी वेयर पीपल विल ऑलवेज कम एंड अटैक यू. आप ले लो और कॉलर्स को, आई विल जस्ट स्टे हियर फॉर अ लिटिल बिट, फिर मैंने जाना है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की, अगेन अग्री विद यू, थैंक यू सो मच. इलीगली कह रहे हैं भाई, प्लीज डोंट शेयर योर इन्फो टू एनीवन. जी बिल्कुल, मैं दूसरों को भी सजेस्ट ये करता हूँ कि वो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी के भी साथ शेयर ना करें. अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर, वैसे मैं इस तरह के कमेंट्स को जो है लेता नहीं हूँ, स्पेशली तब जब कोई मेरा गेस्ट हो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भाई आप उनके चैनल पर जाकर के उनसे पर्सनल सवाल पूछें. तो एक सवाल है यहाँ पर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ले लूँ उसको, आपके लिए है. हाँ हाँ जरूर, पता नहीं आप उसका जवाब देना, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू आंसर, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं. ये एक विश्वनाथ कुलकर्णी जो है वो जो कुछ कह रहे हैं, हालांकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहा कभी, और ना मैंने बहुत ज्यादा आपको सुना है टू बी ऑनेस्ट. तो ये कुछ कह रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, हम आगे बढ़ते हैं. हाँ एक सेकंड, मैं जरा रीड कर लूँ, मैं अपने बाल भी कर्ल कर रही हूँ, उस वक्त मेरा हाथ चल गया. सो इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन इज मालिक, वेदर शी हेट्स अबाउट हिंदुइज्म एंड व्हाट शी सेड इन द पास्ट. देखिए मैं जो हूँ ना, एक आई कॉल माई सेल्फ एग्नोस्टिक, तो मैं किसी भी धर्म पे या रिलीजन पे भरोसा नहीं रखती. तो फॉर मी ऑल आई एम सो गोना से, और ये लोगों को शायद बात बुरी भी लगे, कि मेरे लिए सारे रिलीजन्स यानी जो ब्लाइंड फेथ है दे ऑलमोस्ट द सेम है. ये नहीं कहूंगी कि दे आर सेम एज इस्लाम, हर कोई रिलीजन है वो डिफरेंट उसमें है. एज लॉन्ग एज मुझे ये परवाह नहीं है, आप सेंटा क्लॉज को मानो, आप किसी चीज को भी मानो, एज लॉन्ग एज आप मेरे को नहीं कहते कि आप भी मानो और नहीं मानो तो मेरा गला काट दो. अब अगर लोग आके मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और मुझे अपने हिंदुइज्म को बताते हैं एंड देन आई आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट, तो उसमें आई डोंट थिंक कि मैंने कभी कोई हेटफुल कोई चीज ऐसी बोली हो या कोई किसी को कभी गाली दी हो, क्योंकि आज तक कोई वीडियो ऐसा आया ही नहीं है. मैंने तो $500 भी इनको बोल रहे थे कि भाई दिखाओ मैंने कहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की है या मैंने कहाँ गाली दी है. हाँ मैंने सवाल जरूर रखे और सवाल पूछना मेरा हक है. सो अगर आपको लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट है, सो
आई डोंट नो, अगर कोई प्रूफ है आप लोगों के पास तो प्लीज ला के दिखाओ कि मैंने कहा हिंदुइज्म से हेट्रेड दिखाई या हिंदू से हेट्रेड दिखाई। थैंक यू समीर जी। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप किसी जो है बिलीफ सिस्टम को माने या ना माने, इट्स योर ओन चॉइस। आप उस पर सवाल पूछें, बिल्कुल पूछें, इवन आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। जो कैपेबल है आपके सवाल का जवाब देने के लिए वो आपको आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ जुड़ करके आपसे आपका सवाल पूछ लेंगे या फिर उसके आपको एक्सप्लेनेशन या जवाब दे देंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ बिल्कुल सवाल पूछना आपका हक है और कोई भी चीज आपके माइंड में आएगी आप बिल्कुल पूछे, सवाल पूछ रहे हैं ना, कोई क्राइम थोड़ा ना करे, किसी को मार थोड़ा ना रहे। लेकिन साथ ही साथ ना मेरा एक अपना स्टैंड ये भी है कि भले ही मैं एग्नोस्टिक हूँ, एथीस्ट हूँ या फिर मैं एक्स वाई जेड कोई भी इज्म या ईस्ट में फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट अपने बिलीफ में कट्टर नहीं होना चाहिए। कट्टर होने से इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है या मुझे जो समझ में आता है मैं वो मानता हूँ, इट्स ओके, इट्स अप टू मी कि मुझे क्या मानना है क्या नहीं मानना। लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि दूसरे क्या माने या क्या नहीं माने, और दूसरे जो मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं ये कहने का मुझे हक नहीं है, तब तक जब तक उसकी चीज या उसका बिलीफ या उसका उसकी सोच या उसकी थिंकिंग इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं जाती। मेरा अपना स्टैंड यह है। अगर आप ये कहती हैं कि मैं एथिस्ट हूं, आई एम टोटली ओके विद यू। अगर आप कहती हैं मैं एग्नोस्टिक हूं, टोटली ओके। अगर कोई मुझे कहता है मैं मुसलमान हूं, आई एम टोटली ओके विद हिम ऑल्सो। बट अगर ये कहता है कि मैं इंसानियत को मानता हूं तो दैट्स ओके फॉर मी। भैया तुम 5 की जगह तुम 15 टाइम की नमाज पढ़ो, मेरी सेहत तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम महीने की जगह पूरे साल के रोजे रख लो, मेरा क्या जाने वाला है। तुम हज करने महीने साल में एक बार नहीं या जिंदगी में एक बार नहीं, आप हर साल जाओ, मुझे क्या तकलीफ होने वाली है। पैसा आपका, आप कहीं भी लगाओ, मुझे हमें इन चीजों से तकलीफ नहीं होती भाई आपके बिलीफ से। लेकिन जब आप उस नमाज को रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, दूसरों के घरों के बाहर रोड को ब्लॉक करके मुसल्ला बिछा के उस नमाज को पढ़ोगे तो आप इंसानियत को नुकसान दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, फिर वो मेरे लिए जो है एतराज का विषय है। अगर आप लाउड स्पीकर लगा करके चिल्ला चिल्ला करके ये कहोगे केवल मेरा खुदा ही सच्चा और तुम्हारे सब बेकार, तो फिर मुझे उससे एतराज है। तो यही छोटी सी बातें हैं जो समझनी है कि आपको इंसानियत के या दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देनी ना इंसानियत के खिलाफ जाना। अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं तो फिर आपको किसी दूसरे के बिलीफ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मानना क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आप देखें मैलिज बहन, ये आपको नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूं। आप ये देखें कि इस्लामियों से प्रॉब्लम क्यों है हमें, इस्लाम से प्रॉब्लम क्यों है हमें, इसलिए प्रॉब्लम इस्लाम से क्योंकि वो भी कहते हैं कि सिर्फ हमारा दीन सच्चा है बाकी सब झूठे हैं, सिर्फ हमारा अल्लाह सच्चा है बाकी सब झूठे हैं। अगर मैं एग्नोस्टिक और एथिस्ट होने के ताल्लुक से ये कहूं कि नहीं खुदा है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, तो जो मान रहे हैं वो बेवकूफ हैं, तो मुझ में इस्लाम में क्या फर्क है। ये छोटी सी चीज है। एक समीर, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इट इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजीज एंड द ग्रुप्स दैट फॉलो दोज आइडियोलॉजीज, और वो ग्रुप्स कितने एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, राइट। आप सारे रिलीजन को छोड़ो, आप आजकल जो है ट्रांसजेंडर का जो वो है, मेरी कॉल आ गई थी, ट्रांसजेंडर के ऊपर जो एक यहाँ पर इश्यू चढ़ा हुआ है, राइट, और उसकी जो आइडियोलॉजी लेके लोग चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं आपने माना ही है और अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको ड्रैग करेंगे, हम आपको कैंसिल करेंगे। यहाँ तक के कल नैशविल में एक ट्रांसजेंडर था, क्योंकि नैशविल ने अभी इन लोगों के लिए वो जो ये लेते थे हॉर्मोन्स वगैरह वो बंद कर दिए, राइट, फॉर किड्स हॉर्मोन ब्लॉकर्स जो लगा रहे थे। तो एक बंदी थी जो ट्रांसजेंडर थी, उसने जाकर स्कूल में शूटिंग कर दी, राइट, और धमकियां दे रहे हैं ऑनलाइन लोगों को। तो एनी आइडियोलॉजी कैन बिकम वेरी डेंजरस जब इस तरह से लोग उठ के कहते हैं कि नहीं आप हमारी बात मानो और नहीं मानोगे तो हम गले काटेंगे या हम आपको मारेंगे, चाहे आई डोंट केयर वो कौन सी आइडियोलॉजी है। मैंने आपको भी बताया ना, ये तो ट्रांस की तो रिलीजियस आइडियोलॉजी भी नहीं है, बट इट इज अ ग्रुप दैट इज बिकमिंग वायलेंट। सो ये चीज है, वरना आप, मैं कहती हूँ ना, सेंटा क्लॉज पे मानो, आप बुगी मैन पे मानो, आई डोंट केयर, जब तक वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं होती, जब तक आप मेरे घर पे आके नॉक करके नहीं कहते हो कि नहीं तुम भी इसमें मानो, देन आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट। और मैं अपनी आइडियल, मैं नहीं कहती लोगों को कि मेरी तरह जियो भाई, आप अपनी लाइफ गुजारो, आई डोंट गो इंटरफेयरिंग इन पीपल्स लाइफ कि भाई नहीं आप ये गलत कर रहे हो, यूं कर रहे हो, जो कर रहा है मुझे जब तक तकलीफ नहीं हो रही है आई एम ओके विद इट। और ना मैं अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ हो। हाँ ये अलग चीज है कि द थिंग्स आई से दे माइट हर्ट सम पीपल बिकॉज That's their ideology and I can't control that. That is out of my control. Exactly.
एक्सिमी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, बट मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को कोई शिकायत है किसी से भी तो प्लीज उनके चैनल्स को विजिट करें, उनसे सवाल कर लें। बट अगर कोई इंसान जो है किसी चीज को कोई कह दिया है तो हमें उसको भूल करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसान हर वक्त जो है एक एक जैसी थिंकिंग में सोच में नहीं होता, और डेफिनेटली हम जिन लोगों के आसपास होते हैं उनकी बातों से हम लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उनसे उनसे जो है कई बार मुत्तफिक भी करते हैं, कई बार उनके वर्ड्स को भी ऑन कर लेते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर एक बड़े मजे की बात है कि जब मैं स्टार्ट में एडम सीकर के साथ बैठता था, लाइव स्ट्रीम्स करता था, तो एडम सीकर को आपने अक्सर सुना होगा, एडम सीकर अक्सर बोलते हैं कि थैंक यू सो वेरी मच, तो मैं पहले कभी ऐसे नहीं बोलता था, मैं बोलता थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, एक ही चीज बोलता था। बट एडम के साथ बैठने की वजह से मेरे अंदर ये आदत आ गई थी कि मैं बार बार वैसे ही बोलता था थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। फिर मुझे किसी ने टोका किस दिन, मुझे बोला कि भाई आप एडम की तरह बोलते हैं ये, और ये आपकी आदत में भी आ गया है, तब इसको थोड़ा चेंज करो। तो मैंने इसको चेंज किया। तो ये चीज होती है जबकि हम किसी के साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड उनके हम ऑन करते हैं, और कई बार किसी के साथ चर्चा करते हुए हम कई बार मुत्तफिक भी हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे आपसी इख्तलाफ और जो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स या फिर हमारी मतभेद है उनसे बहुत बड़ा है हमारा काम जो लोग कर रहे हैं ना। इसी वजह से समीर मैंने कहा ना कि देखो मैं ये गलती करके देख चुकी हूँ, और आई एम सॉरी, कल मैं पूजा प्रवीण के उनके भी चैनल पे गई थी क्योंकि हमारे बीच में भी लड़ाइयां हुई थी, ठीक है, और लड़ाइयां किसकी वजह से होती वो भी सब लोग जानते हैं, राइट, एंड वी गॉट इन्वॉल्व, एंड मैंने उनके बारे में बोली चीजें, उन्होंने मेरे बारे में बोली चीजें, बट वी वर बिगर पीपल, वो मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और मैं खुद उनसे सोच रही थी कॉन्टेक्ट करके, एंड आई अपोलोजाइज टू हर कि मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। उस अपोलोजी करने से मैं ना छोटी हो गई ना उनकी इज्जत मेरे आंखों में कम हो गई है। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, और अगर आप जाके सुलह कर लेते हो, अपनी मिस्टेक मान लेते हो, तो इसमें मैं नहीं मानती कि आप छोटे हो जाते हो, एक्चुअली मेरी नजर में वो बंदा और ज्यादा इज्जतदार बन जाता है। तो वी ऑल गो थ्रू स्टफ, इफ वी कैन पैच अप एंड मेक आवर मूवमेंट स्ट्रांग, आई एम विलिंग टू डू दैट किसी के साथ भी। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आपने कहा ना किसी और के साथ बैठ के, हाँ आई वॉज इन्फ्लुएंस एंड आई गॉट ड्रैग्ड इनटू अदर पीपल्स ड्रामा जो मुझको नहीं करना चाहिए था, एंड आई लर्न्ड माय लेसन फ्रॉम इट। तो मैंने जिन जिन लोगों के साथ मेरी लड़ाइयां थी, दिस इज द मेन थिंग एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, कि आपने चली ये चीज खुद अपने मुंह से बोली है कि हाँ दैट वाज योर मिस्टेक, क्योंकि हम लोग जो है ना मैरिज में अगर हम कोई गलती कर लें तो हम उस गलती को मान लेना अपनी, तो उससे बड़ी कोई बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि कभी भी ना अपनी गलती को मानने से ज्यादा बड़ा दिलेरी का काम दुनिया में कोई नहीं होता कि इंसान अपनी गलती को माने। एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि आपने रियलाइज किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप जो है अपनी बात रखी और आपने सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि मैं फिर से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मेहमानों से आप जो है कुछ इस तरह के डिस्प्यूट वाले सवाल ना किया करें हमारे चैनल पर। अगर आपको किसी से कोई सवाल है तो आप उनके प्लेटफॉर्म पर विजिट करें प्लीज। थैंक यू। चलो मैं निकलती हूँ, मुझे जाना है, मगर थैंक यू। मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे कोई भी सवाल करता है, मैं वेरी ओपन पर्सन, एंड मुझे किसी के झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें झूठ वही बंदा बोलता है जिसको डर होता है, और मुझे किसी के बाप का डर नहीं है यहाँ पर, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आई डोंट नीड टू लाई अबाउट एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। बोलो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, के होप सो ऊपर वाला जो भी है जहाँ भी है वो आपके हराम धंधे में खूब बरकत दे जी। और मैंने आपको कब भेजना है मुझे, आप ईमेल्स करती हूँ आपको मैं, cuz आई डोंट थिंक आप किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम या जहां पे मैसेज कर सकूं ना। ओह या आई विल टॉक टू यू, एक्चुअली आई हैव योर नंबर, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं व्हाट्सएप, मेरे पास है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, मेरा भी याद आया, दिमाग काम नहीं है। सो यस आई विल डेफिनेटली गेट योर एड्रेस एंड स्टफ, फिर आप मुझे बता देना कौन सा वाला हराम कब चाहिए आपको, ठीक है ना, फिर वैसा भिजवाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। कुछ कमेंट आए हैं वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम ऑडिट टीम साहब से बात करेंगे। आर एस जी, थैंक यू सो मच, के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।